श्री राम के अनन्य भक्त, भक्तों के संकट हरने वाले श्री हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और कहा जाता है कि जहां राम नाम का गुणगान होता है वहां हनुमान जी उपस्थित होते हैं। हनुमान जयंती का पर्व बजरंगबली के भक्तों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हनुमान भक्त पूजा अर्चना करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी वीरता, बुद्धि, भक्ति और समर्पण के प्रतीक है। आज प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज मंगलवार के दिन हनुमान जयंती है, ऐसे में इसका महत्व और बढ़ जाता है। हनुमान जी बल और बुद्धि को देने वाले भगवान माने जाते हैं। उनको याद करने से ही कष्ट दूर भाग जाते हैं, आपके जीवन से भय चला जाता है, क्योंकि इनकी स्तुति से मनोबल बढ़ जाता है। हनुमान जी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को अवतरित हुए थे। हिंदू धर्म के मानने वाले सभी भक्त इस दिन को हनुमान जी के जन्मोत्सव के तौर पर मनाते हैं। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल यानी आज मनाई जा रही है। अंजना और केसरी के पुत्र हनुमान जी को वानर देवता, बजरंगबली और वायु देव भी कहा जाता है। कहा जाता है इसी दिन भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। ऐसे में बजरंगबली के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। एक बार भगवान राम की लंबी उम्र की कामना करते हुए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। कहा जाता है तब से ही भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का बहुत ही विशेष अर्थ है, इससे वे प्रसन्न होते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए, साथ ही निम्न मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हनुमान जी की कृपा मिलने से कार्यों में आने वाली हर एक बाधा फौरन ही खत्म हो जाती है। हनुमान जी कृपा पाने के लिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, विद्या, बल और सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। हनुमान जी को राम का नाम बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम नाम लिखें और इसे हनुमान जी को चढ़ाएं। ये कार्य करने से सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाई जाती है, इससे कष्ट और संकट मिट जाते हैं। मंगलवार के दिन बजरंगबली को तुलसी की माला चढ़ाने से व्यक्ति को आर्थिक लाभ होता है। घर चले ना।